और नमाज के फायदे क्या है, नमाज क्यों पढ़ना चाहिए, सारी बातों पर हम लोगों ने रोशनी डाली है पिछले क्लासों में। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि नमाज की हालत में कौन कौन अरकान की अदायगी करेंगे और कौन कौन सी दुआएं उसमें पढ़ेंगे। तो उसका सबसे पहला तरीका क्या है, उसमें पहला नंबर है तकबीर। जब आदमी नमाजी नमाज के लिए खड़ा हो तो ऐसे हाथ बांधेगा, उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए ऐसे हाथ बांधेगा, वो नमाज उसकी शुरू हो चुकी। और हाथ बांधने के बाद वो दुआए सना पढ़ा जाएगा, जिसको आप लोग जानते ही होंगे, किताबों में लिखा है, किताब से पढ़ लीजिएगा, कुरान पढ़ लाओ, हम लिखा हो दरबार में सुनाओ, ताला जिंदो को लाया है। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ा जाएगा, और सूरह फातिहा के बाद नमाज कुरान की एक छोटी सूरह पढ़ी जाएगी। सूरह फातिहा क्या है ये आप लोग जानते ही होंगे और पढ़ा भी होगा किताबों में से, इसको याद कर लेना चाहिए, इसलिए कुरान शरीफ से सबसे पहली सूरह सूरह फातिहा है। और ये तकरीबन हर नमाज में हर रकात में इसको पढ़ा जाता है। इसको बच्चों आप जबानी याद कर लें, मैं आपको रहनुमाई के लिए सुना देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين। इसी को सूरह फातिहा कहते हैं। बच्चों अगर आपको नमाज पढ़ना है तो इसको बहुत से आप हजरात में से सबको याद भी होगा, लेकिन इसको अगर याद नहीं है तो उन्हें फौरन उस सूरह को याद कर लेना चाहिए। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कुरान की एक छोटी सूरह आम सी पारा में बहुत सी सूरतें हैं उसको नमाजी पढ़ेगा, उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए वो रुकू में जाएगा, रुकू में तीन बार सुभान रब्बियल अजीम सुभान रब्बियल अजीम सुभान रब्बियल अजीम पढ़ेगा, उसके बाद समी अल्लाह लिमन हमीदा कहते हुए खड़ा हो जाएगा। एक रिकात मुकम्मल हुई, दूसरे रिकात में फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर कोई दूसरी सूरह लगाएगा और उसके बाद फिर वो रुकू में जाएगा, उसी तरह सुभान रब्बियल अजीम पढ़ेगा तीन बार पांच बार या सात बार यानी ताकत में, और उसके बाद फिर खड़ा होगा सुभान अल्लाह लिमन हमीदा कहते हुए, और उसके बाद फिर सजदे में जाएगा। सजदे में दो सजदा है जिसमें सुभान रब्बियल आला पढ़ा जाता है, और उसके बाद फिर बैठेगा जिसको तशहुद भी कहते हैं और कादा भी कहते हैं। कादा की हालत में वो तैयार पढ़ेगा और उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ेगा, फिर दुआए मासूरा पढ़ेगा, दुआए मासूरा पढ़ने के बाद सलाम फेरेगा, उसकी दो रकात नमाज मुकम्मल हो चुकी। अब रही बात का ये सना हमने सुना दिया, सूरह फातिहा भी सुना दिया, ये जो है दुआए मासूरा और तहियात क्या है। तहियात जो है वो तहियात लिल्लाह व सलावात व तैयबात सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तहियात है जो हर नमाजी को पढ़ने के लिए ये वाजिब है, और जस्ट नमाज के पहले जो दुआ सलाम के पहले दुआए मासूरा पढ़ा जाता है वो ये है कि अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वले वालिदैया वले मन तवालदा वले जमीउल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये पढ़ के बंदा सलाम फेर देगा। हर मुसलमान को सूरह फातिहा दुआए मासूरा और तहियात याद होना चाहिए।